एमपी के हरदा में 6 अक्टूबर की शाम एक युवती के उद्योग कर्मी एक्सप्रेस से कट कर सुसाइड कर लिया था। वहीं इस मामले में रविवार को नया मोड़ आया है। युवती ने सुसाइड नोट छोड़ा है। पुलिस के मुताबिक युवती के पड़ोसी युवक ने उसे प्रताड़ित किया था और रुपए भी ऐंठे थे। इसी से परेशान युवती ने खुदकुशी की थी। जीआरपी पुलिस को मृतका के पर्स में सुसाइड नोट मिला है। इसी आधार पर पड़ोसी युवक को हिरासत में लिया गया है। युवती घर पर मेहंदी लगाने का कहकर निकली थी, जिसके बाद उसने स्टेशन पर अपनी स्कूटी पार्क की। उसने जीआरपी थाने के सामने अपनी गर्दन को रेलवे ट्रैक पर रख दिया। इससे युवती का शरीर दो हिस्सों में बट गया था। मामला ऐसा है सर कि सुरभि प्रजापति मालवी मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है 2 साल। उसने अभी सुसाइड किया है 2 दिन पहले। सुसाइड में यह है, पत्र मुझे यहाँ से मिला है कि कोई साजिद नाम का लड़का है, उसने उसकी वजह रही है, कुछ कमजोरियाँ रही है उसने जो गलत काम किया उसके साथ, इसके कारण वो सुसाइड किया। उसने पैसों का लेन देन भी किया उसमें और गलत काम भी किए हैं, जिससे वो बहुत कष्ट में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया सर। वीडियो वगैरह भी बनाई है और ब्लैकमेल भी करा है, आगे पीछे मतलब जाना, धमकाना, धमकी भी दी है। धर्म के पीछे उनने बातें भी कही हैं कि तुम्हारा हिंदू धर्म तो ऐसा है वैसा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सी बातें अन्य भी लिखी हुई है। सुरभि मालवी एक युवती है हरदा की, उसने दिनांक 6 अक्टूबर को उद्योग नगरी एक्सप्रेस से रात करीब 7:45 बजे के आसपास प्लेटफार्म नंबर 3 पर रेल कटिंग का जो मेमो डिप्टी एसएस हरदा द्वारा प्राप्त हुआ था, और मेमो के आधार पर पुलिस चौकी प्रभारी हरदा जीआरपी द्वारा देहाती शून्य का मर्ग कायम कर उसकी जांच की गई। घटना स्थल पे बच्ची के पास से उसका पर्स, मोबाइल, एक सुसाइड नोट और एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली थी। उनको सबको पुलिस ने अभी अपने कब्जे में लिया है और बच्ची का डॉक्टर टीम द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।